खार्किव के चप्पे चप्पे पर खुले जंग के मोर्चे अब खुल रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे मेसन साहब, वो दिख रहा है खुली जंग की नौबत वहां पर अब आ रही है। हैंड टू हैंड मामला हो सकता है। पुलिस मुख्यालय पर रूसी मिसाइल अटैक, खार्किव में मिलिट्री एकेडमी, पुलिस मुख्यालय हमले के बाद आग की लपटों में घिरी हुई इमारत इस वक्त दिखाई दे रही है, और जिसकी बात पहले भी वो कर रहे थे वही दिख रहा है। रूसी हमले में 21 लोगों की मौत हो गई है, 112 लोग घायल हो गए हैं। ये खार्किव के गवर्नर का इस वक्त बयान आया है। खार्किव में हेलीकॉप्टर से उतरे हैं रूसी कमांडोज। खार्किव अब पूरी तरह से लगता है गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी से आपका कमेंट, फिर शंकर प्रसाद जी के पास चलेंगे। खार्किव पर चप्पे चप्पे पर खुले जंग के मोर्चे दिखाई दे रहे हैं, मिलिट्री एकेडमी, पुलिस मुख्यालय, सब पर अब मिसाइल अटैक। इसमें कोई शक नहीं है, खार्किव अगले 24-48 घंटे में पूरा कब्जे में हो जाएगा रूस के हाथों में। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रीवियस स्पीकर्स भी बोल रहे हैं, यू नो खार्किव का एरिया है 350,000 स्क्वायर किलोमीटर, 14 लाख उसकी पॉपुलेशन है। एक जमाने में वो प्रो रशियन थे, अभी भी रशियन स्पीकिंग लैंग्वेज में उनके 14-20% है, परंतु 2014 की लड़ाई में जो रशियन स्पीकिंग थे जिनकी लीनिंग थी रूस के साथ, उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। तो अभी ये जो खार्किव में ये नुकसान हुआ है, इसके बाद रूस के पास और चॉइस ही नहीं है कि सिवाय के फाइटिंग एंड बिल्ट अप एरिया करना पड़ेगा। पर मैं समझता हूँ अगर ये बाकी कीव के अलावा बाकी जो टाउन सिटीज है उसको आइसोलेशन मोड में रखते हुए बाईपास करते हैं और अपना ऑपरेशन बढ़ाते हैं।